हेलो एवरीवन, आज का ये जो सेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम बेसिकली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, करंट अफेयर का जितना भी पार्ट होता है उन सारे के सारे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स को कवर करना इम्पॉर्टेंट है, बट इतना ज़्यादा वास्ट है कि कितना पढ़ें और कितना हम छोड़ दें, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में है। तो जनवरी 2024 में आज हम उतने ही करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, और डिटेल में देखेंगे। और दो चीज़ें मैं आपको बता दूँ, इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप कलेक्ट कर पाएंगे। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। साथ में शुरू करते हैं सेशन को। आप अपनी सुविधा के लिए वीडियो को 2x पे करके देख सकते हैं, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स जो अवेलेबल है, ये टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये हमारे ऐप का जो है लिंक है जो कि आप चैनल के ऊपर देख पा रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करके, क्योंकि DSSSB के एग्जामिनेशन डेट अब अनाउंस हो चुकी हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये कोर्स फ्रेम किया गया है, जिसमें कि मोर ओवर 50+ कोर्सेज अवेलेबल हैं, टेस्ट अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज कंटेंट सब कुछ अवेलेबल है, जो कि जनरल पेपर के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सफिशियंट है। अभी ऑफर अवेल है तो 89 रुपीज़ में अवेल किया जा सकता है, तो बिल्कुल आप इसको परचेज कर सकते हैं। जहाँ पर 1 ईयर वैलिडिटी भी अवेलेबल है, डिटेल सोल्यूशन है, अनलिमिटेड टेस्ट अटेम्प्ट हैं, तो काफ़ी हद तक आप ध्यान में इसको रख सकते हैं। और जो कि आपको ना सिर्फ इवेल्युएट करने के लिए, बल्कि ये जानने के लिए कि ऑथेंटिसिटी प्रिपरेशन की कितनी ज़्यादा है, वो काफ़ी खास यहाँ पर होने वाली है। तो पहले हम MCQ सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ की फैक्ट्स को चेक कर लेते हैं, डिड यू नो में, जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी हो जाएंगी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन की, जिनका कि एम था, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एट स्ट्रेंथनिंग पब्लिक सर्विस एंड स्कीम इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस। मैं बताऊंगी कि यहाँ पर सवाल क्या बन सकता है। तो सवाल बिल्कुल आपसे पूछ सकते हैं कि तमिलनाडु में अभी हाल फिलहाल में जो स्कीम लॉन्च की गई है, उसका जो है उंगली थेड्डी उंगल ओरिल, ठीक है, इसका एम क्या है बेसिकली, है ना, कम लुक फॉर यू इन योर विलेज, तो इसका एम क्या है बेसिकली, वो आपसे पूछ सकते हैं। तो ये आपको काफी हद तक ध्यान में रखना है, जिसका एम क्या है, स्ट्रेंथनिंग करना है जी, हमें पावर देनी है पब्लिक सर्विसेज को, जो कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का काफी हद तक एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि आप कारण बनता नजर आता है। इमेज आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट डिड यू नो में, हम यहाँ पर IEA इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट के बारे में, जो यहाँ पर आपका एनर्जी एजेंसी, आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिसिटी 2024 की रिपोर्ट है, ये कह रहे हैं कि उसके हिसाब से कितनी ज़्यादा जो आउट पेस है आपकी चाइनाज एंड द हैव द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोथ रेट ऑफ 2026, इसमें इंडिया का एवरेज पार्टिसिपेशन या डिमांड कह लें कितना ज़्यादा है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें कोशिश करनी है 2024 से 2026 तक कि कम से कम हम IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को 6.5% तक क्या योगदान यहाँ पर देख सके, यानी वार्षिक औसत बिजली यहाँ पर मांग वृद्धि जो है आंकी गई है, जिसको कि आपको काफी हद तक ध्यान रखना है। एक सवाल और बन सकता है यहाँ पर कि जो डिमांड है यहाँ पर चाइना एंड हैव द वर्ल्ड फास्टेस्ट, यानी कि बिजली की मांग चीन से आगे निकल जाएगी, तो अगर आपसे पूछते हैं कि उससे पहले किसका स्थान था, तो चाइना यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। दो ही चीजें ध्यान रखिए, या तो पहला पूछेगा तो आखिरी पूछता है। आगे हम बात करेंगे, स्टार मार्क कर रही हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है, मिस्कॉट के बारे में इन्होंने बात की है 2024 में। खेलो इंडिया पिछले साल भी काफी चर्चा में था, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये मिस्कॉट के इमेज आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, शुभंकर जिसे हम हिंदी में कहते हैं, जो कहीं ना कहीं रीजनल बायोडाइवर्सिटी स्नो लेपॉर्ड देख पा रहे होंगे आप, क्योंकि रंग सफेद है, तो बिल्कुल शीने शे और शान हैज बिन डिक्लेयर द ऑफिशियल मिस्कॉट, है ना। तो इसका जो लोगो आपको ध्यान में रखना है, और साथ में जो इसका नाम है वो आपको काफी हद तक ध्यान में रखना है, शिनेशी, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपका 2024 में विंटर गेम्स सेशन अभी हाल फिलहाल में चल रहे हैं, समाप्त हुए हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं स्टेटस रिपोर्ट ऑफ स्नो लेपॉर्ड्स इन इंडिया के। देखिए, काफी हद तक यहाँ पर सवाल बहुत बार एग्जामिनेशन में आप सबको ध्यान में होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़ा हुआ, टाइगर से जुड़ा हुआ, उनके नामों को लेकर के सवाल पूछा गया, बायोडाइवर्सिटी से सवाल पूछा गया, तो ये काफी हद तक जरूरी यहाँ पर हो सकता है, तो सवाल आप पढ़ पाएंगे।
जो इन्होंने पूछा है कि तेंदुए की जो स्थिति रिपोर्ट है भारत में, हिम तेंदुए की स्थिति रिपोर्ट क्या है ना। तो ये कहने के जो केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने भारत की सबसे पहली राष्ट्रव्यापी हिम तेंदुए की आबादी मूल्यांकन रिपोर्ट, भारत में हिम तेंदुए की स्थिति रिपोर्ट है ना, ये आप नाम देख पा रहे होंगे, स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया असेसमेंट किया, जिसमें कि इसका नाम याद रखिएगा 718, और नाम याद रखिएगा हिम तेंदुए यानी कि स्नो लेपर्ड्स के बारे में बात की जा रही है, जो सिस्टमेटिक तरीके से सर्वे किया जा रहा है। एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि 1718 भी मौजूद है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इमेज आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के बारे में, इमेज आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इंडिया हैज नॉमिनेटेड, अभी हाल फिलहाल में इंडिया ने नॉमिनेट किया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया को, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया 2024-25 वाली में। आपसे सवाल पूछ सकता है कि 2025 में किसको शामिल किया गया है यहाँ पर यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट्स हैं, तो उसमें आप यहाँ पर मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया का नाम ले सकते हैं। बिल्कुल, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री कैपेसिटीज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि 17वीं और 18वीं सेंचुरी में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया जो का कि प्रदर्शित करने में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के बारे में काफी चर्चा में रहा उस समय। आगे बात कर लेते हैं स्वाति के बारे में, नाम याद रखिएगा, स्वाति की फुल फॉर्म याद रखिएगा, सवाल पूछ सकते हैं। साइंस फॉर वेमेन, बहुत सवाल वेमेन से पूछे जा रहे हैं, और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये स्वाति की फुल फॉर्म है, जिसका पोर्टल फरवरी 2024 में जो है इनोग्रेट किया गया है, जिसका काम क्या है, महिलाओं को साइंस और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के प्रति जागरूक करना है, डेटा बेस देना है, साथ में यहाँ पर स्टेम की बात की है, जहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन फील्ड के बारे में काफी हद तक यहाँ पर इंटरेक्टिव पोर्टल डेवलप करने की बात कही गई है, जहाँ पर रिसर्च की जा सकती है, और जो जेंडर गैप है यहाँ पर यानी कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो गैप नजर आता है उसको साइंस के माध्यम से समाप्त करने को और इक्वालिटी को लेकर के आने के बाद यहाँ पर की गई है। स्टेम का और स्वाति का यहाँ पर नाम याद रखिएगा, और पर्पस क्या है, क्या पर्पस है, जेंडर गैप इन साइंस को जो है खत्म करना है। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट इन ओडिशा डिक्लेयर्ड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि काफी हद तक इम्पॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि हाल ही में एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार जो ओडिशा का इमेज आप देख पाएंगे, ये पीछे जो इमेज नजर आ रही है आपको स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ये काफी हद तक इम्पोर्टेंट हो पाएगा। रिसेंट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो जिसका कि साइट है जो कि कुल मिलाकर के 350 हेक्टेयर में यहाँ पर फैला हुआ है, ठीक है, उसको यहाँ पर डिमार्केटेड एरिया में काउंट किया गया है, जो कि गुप्तेश्वर को अभी जाओ जो उड़ीसा में है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में यहाँ पर इसको शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट देख पाएंगे नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड क्या है, ठीक है, तो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड क्या, मोबिलिटी से आप यह ध्यान में रखिएगा, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं खुद को, ट्रांजिट कर सकते हैं खुद को, एनसीएमसी की यहाँ पर बात की गई है, तो वन नेशन वन कार्ड के बारे में डिस्कशन किया गया है, जहां पर आप अपने एम को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं एनसीएमसी यानी कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इसको अभी हाल फिलहाल में 2019 में लॉन्च किया गया था, अब ये कार्यरत हो चुका है। आगे बात कर लेते हैं डिड यू नो में हम सेवेंथ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो सेवेंथ इंडियन ओशन स्टार मार्क कर रही हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो कि आप देख पा रहे हैं फरवरी 9-10 तक चला, ये 2 दिन चला 2024 में, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, नाम याद रखिएगा, डेट नहीं पूछेगा आपसे, ईयर पूछ सकता है, स्टेट का नाम पूछ, माफ कीजिएगा, कंट्री का नाम पूछ सकता है। एंड ये कह रहे हैं कि टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन, ये इसका थीम लाइन था, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, जिसको कि ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन फाउंडेशन एस जो है राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज सिंगापुर एंड द पर्थ यूएस एशिया सेंटर के साथ मिलकर के जो है कोलैबोरेट करके चलाया जा रहा है। सेवेंथ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, 9-10 फरवरी तक चला है, और एम क्या है, टुवर्ड्स करना है स्टेबिलिटी लेकर के आने हैं, जहां पर सतत विकास की बात कर रहे हैं भारतीय समुद्रों में। अब हम चलेंगे एमसीक्यूज की तरफ, पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, देखिए द मिड टर्म इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, किसकी, सेमीकंडक्टर्स की, और डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में बात कर रहे हैं, स्कीम इज ड्यू सून, व्हेन इट व्हेन वाज द स्टार्टेड। सेमीकंडक्टर्स बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिनको बनाने की बात कही जा रही है, डिजाइन लिंक्ड कर रहे हैं, योजना का जो मध्य अवधि मूल्यांकन है जल्द ही होने वाला है, कौन से साल में, 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में, तो जाहिर सी बात है कि 19 20 को बिल्कुल आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, बिकॉज वो ईयर्स कंप्लीटली गॉन हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप कॉमन सेंस का भी यूज करते तो 2022 आपका सही हो जाता।
आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहे हैं कि रिसेंटली ईरान ने क्लेम किया है टू हैव अ सक्सेसफुली लॉन्च दिस 3 सैटेलाइट इन टू स्पेस, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में कंसिडरेशन में रखना है आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को। तो हाल ही में ईरान में 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में संप्रेक्षित दावा किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, तो कौन कौन से, पहले को पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि द नेम ऑफ अ लॉन्च जो सैटेलाइट किया गया है, ओके जस्ट अ मिनट, ये गलती से स्किप हो गया है आंसर। पहले सवाल देख लेते हैं, ठीक है। लॉन्च द सैटेलाइट टू मेहदा के हान 2.5-1, ठीक है। या फिर कह रहे हैं कि मेहदा जो है एक रिसर्च सैटेलाइट है, कहान एंड द हाफ टार नैनो सैटेलाइट है। फोकस किसके ऊपर करता है? ग्लोबल पोजिशनिंग एंड कम्युनिकेशन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो बिल्कुल हम मान करके चल रहे हैं कि दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। एज यू यू नो द आंसर इज गोना बी स्किप। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर सी ऑप्शन आपका दोनों ही सही है। जो सैटेलाइट है यहाँ पर वो मेधा और कहना 2 है, HALT-1 है, जिनका काम क्या है? फोकस करना है ग्लोबल पोजिशनिंग एंड कम्युनिकेशन रिस्पेक्टिवली। आगे देखते हैं, वेयर विल द कंट्री फर्स्ट रिसर्च बेस्ड IIT सैटेलाइट टू बी एस्टेब्लिश। हरिद्वार है, उज्जैन है, भोपाल है, लखनऊ है। थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सा आंसर है, बट उज्जैन यहाँ पर काफी हद तक आप देख पा रहे होंगे कि राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट रहेगा IITs वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक बार मैं दोबारा आपको दिखा दें, IIT का जो सैटेलाइट है यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ है, उज्जैन में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, रिसेंटली 69th, ये काफी चर्चा का विषय रहा, मुझे उम्मीद है कि वो मूवी सबने देखी, जिसने नहीं देखी उसको जरूर देखनी चाहिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? 69वां फिल्म फेयर अवार्ड में, तो 12th फेल को मिला है, ये आप ध्यान रखिएगा। एनिमल नहीं है, पठान नहीं है, डुमकी भी नहीं है, ये सारी मूवीज आपकी 2023 में रिलीज हुई हैं, तो 12th फेल यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच कंट्री बिलोंगिंग टू द वेस्टर्न रीजन ऑफ अफ्रीका हैज अनाउंस्ड इट्स इमीडिएट एग्जिट फ्रॉम द वेस्ट रीजन इकोनॉमिक इकोवास अफ्रीकन ब्लॉक। यानी कह रहे हैं कि अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित किस देश ने पश्चिमी क्षेत्रीय आर्थिक इकोवास अफ्रीकी ब्लॉक से तत्काल बाहर निकलने की घोषणा की है? कमेंट करके आपको मुझे बताइए कि इकोवास है क्या, बुरकिना फासो है, माली है, नाइजीरिया, या ऑल ऑफ द अबव है। तो बिल्कुल जब आप यहाँ पर रीजनल और अफ्रीका सेक्शंस की बात करते हैं तो ऑल ऑफ अबव की तरफ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करके आपको बताना है इकोवास का राइट ऑप्शन क्या होगा, नेक्स्ट माफ कीजिएगा फुल फॉर्म क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया कंडक्ट्स अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ, सदा तनिष्क एंड द आर्मी ऑफ विच कंट्री? सऊदी अरेबिया है, ओमान है, मलेशिया, सिंगापुर है। तो काफी हद तक जब आप यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पर कम से कम आप सऊदी अरेबिया के साथ जाना बिल्कुल बनता है। ओमान, मलेशिया और सिंगापुर यहाँ पर नहीं होगा, सऊदी अरेबिया विल बी द राइट ऑप्शन। विच पेयर हैज रिसेंटली वन द मेन्स डबल्स टाइटल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट? तो आपको बताना है कि रोहन बोपन्ना है, मैथ्यू एबडन है, साइमन बोलेल है, या एंड्रियो वेस्वॉरी है, या यहाँ पर वेस्ले कोहाल्फ है, या निकोलो मेटकिफ है, या फिर टॉमस मेकहॉक एंड यहाँ पर जिजेन है, ठीक है। तो पेयर की बात की, किस में बात की है, इन्होंने ने जीता है मेंस डबल में जीता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, विच इज रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एडवन। ये काफी हद तक चर्चा में भी थे, सुर्खियां इन्होंने बहुत बटोरी हैं, तो ओपन टेनिस टूर्नामेंट में डबल्स मैन में इन्होंने खिताब जीता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द रिलीज ऑफ 2031 प्रिजनर्स ऑन द बेसिक ऑफ गुड्स कंडक्ट? है ना कि भाई उनका जो कैदियों को रिहा करने की घोषणा की गई थी, तमिलनाडु ने किया, एमपी में किया, तेलंगाना है, बिहार ने किया है। तो बिल्कुल आप जा सकते हैं यहाँ पर सी तेलंगाना के साथ, विच इज द राइट ऑप्शन। ये काफी चर्चा में भी था जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज्ड ऑल ऑफ द अबव, आयशा की जब हम बात करते हैं, ठीक है। 21-22 में कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो स्टेट्स में एनरोलमेंट हुए हैं तो कहाँ हुए हैं? महाराष्ट्र नहीं है यहाँ पर, ठीक है, राजस्थान नहीं है, तमिलनाडु नहीं है। दो तीन फैक्ट्स हम और जान लें, तमिलनाडु में जो आपका एनरोलमेंट ऑफ अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं तो सबसे अधिक है, ठीक है। साथ में राजस्थान में अगर हम यहाँ पर सेक्स रेशियो की बात करते हैं, अभी भी लड़कियों की काफी हद तक कम है। उत्तर प्रदेश यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। महाराष्ट्र यहाँ पर काफी हद तक चर्चा में था जब यहाँ पर हमने महिलाओं और जो पुरुष है यानी लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है काफी हद तक बराबर होता दिखा था 2023 के डेटा के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बी विल बी द राइट ऑप्शन, उत्तर प्रदेश विल बी द राइट ऑप्शन। आगे बात कर लेते हैं, वुलर लेक, ये काफी चर्चा में था,
ठीक है, ये कह रहे हैं कि स्टेटमेंट बतानी है, रेफर करता है किसमें, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है, और ये डिजिग्नेटेड है रामसर साइट 2003 में, 3 की बात की है आपने, है ना, तो काफ़ी हद तक ये फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सिर्फ सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत है, रामसर साइट 2003 में इसको नहीं शामिल किया गया है। 11th क्वेश्चन को देख लीजिए, सवाल कह रहे हैं कि ब्रिटिश में भारतीय मूल के किस प्रमुख वकील को कानूनी और सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यहाँ पर फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का अवार्ड दिया गया है। तो अजीत मिश्रा है, सुहेल सिंह है, विकास कन्नौजी है, शिव कुमार पांडे हैं। अजीत मिश्रा जी का नाम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन की बात यहाँ पर की जा रही है। रिसेंटली कह रहे हैं कि जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने अनाउंस किया गैलेंट्री अवार्ड्स, कितने 80 आर्मी पर्सनल्स को, हाउ मेनी सोल्जर्स विल बी गिवन दिस ऑनर, है ना, तो सम्मान कितने लोगों को दिया गया है, तो कुल मिलाकर के जब हम काउंट डाउन की बात करते तो 12 ही लोगों को दिया गया है, ये याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं, रिसेंटली द रिजर्वेशन माफ कीजिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने रिलीज किया है फाइनेंस ऑफ अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट ऑफ द ईयर 2022 और 23, तो यहाँ पर स्पेंडिंग 25.14 लाख खर्च किया गया है, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल, गुजरात, बिहार, एमपी, ये आपको बताना है। जब हम पंचायती राज की बात करते हैं तो राजस्थान सबसे ऊपर होता है, लेकिन इस मामले में हम बिल्कुल वेस्ट बंगाल को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात, बिहार और एमपी नहीं है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर माधिका, द लैंग्वेज स्पोकन कहाँ पर है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तेलुगु, तुल्लु, कन्नड़ और मलयालम का मिश्रण है, कौन सा, मधिका चकलिया, कई बार यहाँ से डायरेक्टली भी सवाल पूछ लेता है मधिका चकलिया, ठीक है, किसका है ये, तेलुगु का है, तुल्लू का है, कन्नड़ का और मलयालम का है। कह रहे हैं कि यूनेस्को द्वारा प्रकाशित 2018 में यहाँ पर रिपोर्ट के अनुसार भारत में 55 भाषाएं लुप्त होने के कगार पर हैं, तो बिल्कुल दोनों ही ऑप्शंस कंप्लीटली सही हैं, आप बोथ 1 एंड 2 के साथ यहाँ पर जो है, अच्छा 2018 रिपोर्ट पब्लिश, ठीक है, तो आप मधिका के साथ जा सकते हैं बिल्कुल, यहाँ पर 2010 रिपोर्ट पब्लिश बाई, मैं इसको क्वेश्चन को एक बार देख लूंगी, अगर आपको थोड़ी सी जानकारी हो तो जरूर बताएगा कमेंट करके एक बार, पर मेरे हिसाब से दोनों होने चाहिए, लेकिन एक बार मैं इसको चेक कर लूंगी। मधिका इज द लैंग्वेज स्पोकन बाय द, ये काफी हद तक ध्यान में रखिएगा, ये सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है, यूनेस्को के 55 लैंग्वेजेस जो अभी आउट हुई हैं। फिर ये कह रहे हैं कि इन द इंडियन ओपन बैडमिंटन 2024 द पेयर ऑफ अ सात्वी सात्विक सिराज, ठीक है, ये कह रहे हैं कि चिराग शेट्टी लॉस्ट द रिपब्लिक ऑफ अ कोरियन कैंग मिंग यूंग सिउ सिंग जाए इन द मेन्स डबल फाइनल, वेयर वॉज इट ऑर्गेनाइज्ड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में हुआ, लखनऊ में हुआ या न्यू दिल्ली में हुआ, सवाल हिंदी में पढ़ देती हूँ। 2024 में कह रहे हैं कि जो जोड़ी पुरुष युगल की हुई है फाइनल में कोरियन गणराज्य की कांग मिन ह्यूंग, और साथ में दूसरा नाम है यहाँ पर, पूरा नाम आपको पेपर में नहीं देंगे, कांगमिन का नाम दे देंगे, सीओ सीयू का नाम दे देंगे, आयोजन कहाँ किया गया है, सबसे बड़ा स्टेडियम अगर आप ध्यान में रखेंगे तो न्यू दिल्ली की बात यहाँ पर हो रही है, न्यू दिल्ली में करवाया गया था। द बोर्ड ऑफ अ काउंसिल क्रिकेट बीसीसीआई ऑर्गेनाइज्ड द अवार्ड सेरेमनी लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ अवार्ड, किसको दिया गया है जी, हैदराबाद में, तो महेंद्र सिंह धोनी है, सचिन तेंदुलकर है, युवराज सिंह है या फिर रवि शास्त्री है, तो रवि शास्त्री यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी लोगों को पहले ही मिल चुके हैं तो ये ध्यान में रखिएगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन। चलेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट 19th क्वेश्चन की तरफ, इसको सही कर लीजिएगा, 19वां सवाल है आपका, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर ये रूफ टॉप सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पुअर और मिडिल क्लास जो इंडिविजुअल है अंडर द रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम, 2 करोड़ लोगों से ज्यादा घरों में रूफ टॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिसका उद्देश्य क्या है, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है कि गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के तहत शामिल करना है, पहले जान ले कि रूफटॉप सोलर है क्या, यहाँ पर सोलर जो हमारे सोलर प्लांट्स होते हैं उनको इंस्टॉल करने की बात कही गई ताकि घरों में बिजली आ सके, तो इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य काफी हद तक सीधी सी बात है कि ऑब्जेक्टिव है हमारा यहाँ पर कि हम जो गरीब हैं और मिडिल क्लास के लोग हैं उनको काफी हद तक रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम के अंदर उनको जो है कलेक्ट कर सकें और साथ में उनको 24 घंटे जो बिजली की सुविधा है उसको हम दे पाएं, है ना, ये यहाँ पर काफी हद तक ध्यान रखना है। इंस्टॉल मोर देन वाई 2 करोड़ हाउसेस नहीं होगा, जितने लोग चाहते हैं लोग लगा सकते हैं, क्षमता के ऊपर काफी हद तक आधारित है। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हु वाज फॉलोइंग कुचिपुड़ी डांसर रिसीव्ड द प्राइम मिनिस्टर नेशनल चाइल्ड अवार्ड इन 2024। नाम याद रखिएगा, स्टार मार्क कर रही हूँ। यामिनी रेड्डी बहुत चर्चा में रहती हैं डांस प्रोग्राम्स को लेकर के, भावना रेड्डी, शर्मिला विश्वास, बट यहाँ पर पेंड्याल, लक्ष्मी प्रिया विल बी द राइट ऑप्शन होगा। लक्ष्मी प्रिया का नाम याद रखिएगा, सवाल डायरेक्टली यहाँ से पूछ सकता है। तो आगे चलते हैं, डी ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और मैं आपको थोड़े से यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन आपका ले लेती हूँ, वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, बाकी के क्वेश्चंस को कवर अप करने के लिए आपको कंप्लीट पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है एग्जामिनेशन में, चाहे वो आपका बीपीएससी का पेपर है, एडिटर प्लस बी का पेपर है ना, तो ये बहुत हद तक इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीट पीडीएफ को आप डाउनलोड करके पढ़ें, जो कि आपका समय भी बचाएगी। और जाते जाते मैं एक सवाल आपसे पूछ लेती हूँ, और ये सवाल जुड़ा हुआ है आपके इस क्वेश्चन से, कह रहे हैं कि वेयर वॉज द तिब्बतन ब्राउन बियर रिसेंटली बीन साइटेड इन इंडिया। सवाल इंपॉर्टेंट है, आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो इसका जवाब आपको कमेंट करके मुझे देना है। और हम चलते हैं अपने कोर्स स्लाइड की तरफ, ये आपका टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, जो बाकी रेस्ट ऑफ द 40 क्वेश्चन रह गए हैं, जहाँ पर जनवरी 2023 का पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ से कि आप सारे नोट्स को और जितने कंटेंट्स अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, और अटेम्प्ट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर बहुत सारे आपको टेस्ट भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं, तो उनसे आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। 89 रुपीज़ में अभी अवेल हो रहा है, तो डिटर प्लस बी में यहाँ पर आपको जीएस मिल रहा है, जीके मिल रहा है, साथ में यहाँ पर आपको इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, करंट अफेयर है, जनरल अवेयरनेस है, सब कुछ, जितने भी सेक्शन, 5 के 5 सेक्शंस हैं, कुल मिलाकर के 46 टेस्ट और मोर ओवर 800 से ज़्यादा क्वेश्चन अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, तो उनको देख लीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, रिविजन नहीं कर रहे, तो उसका कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरी वन, कोई सवाल रह गया हो तो कॉमेंट करके पूछिएगा। बाकी की जो नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन है, फेब्रवरी के जो रेस्ट ऑफ द 15 डेज हैं, उनका करंट अफेयर और 2023 का जो पूरा का पूरा करंट अफेयर है, उसको मैं 2 वीडियोस में कवर करूंगी, तो उसके लिए आप बिल्कुल चैनल के साथ बने रह सकते हैं। और साथ में पीडीएफ भी आपको कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक अच्छी सुविधा भी आपको देखने को मिलेगी। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ, तब तक बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी।